बारामूला मुठभेड़ में शहीद हुए राइफलमैन कैसर अहमद शाह का पार्थिव शरीर अनंतनाग जिले के उनके गांव वांगम पहुंचा। शहीद हुए दिवंगत जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मारे गए सैनिक को भारतीय सेना द्वारा पूरे सैन्य सम्मान और बंदूक की सलामी के साथ अंतिम संस्कार दिया गया और सैकड़ों ग्रामीणों ने नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दे दी। ये सही बात है। आज ये मेरे इलाके में दूसरा वाक़ा हुआ है 8 अक्टूबर से। ये वनगाम का कैसर आज मौत की आगोश में चला गया सुबह सवेरे, क्योंकि कोई हादसा हुआ है जहाँ वो ड्यूटी पर था। बेचारा रोज़गार कमाने के लिए गया था, छोटी सी उम्र में, अभी थोड़ा ही वर्षा हुआ था फौज में, लेकिन हादसे का शिकार होकर चला गया। मुझे इस बात का दुख है और मेरी ज़ाहिर हमदर्दी है और अल्लाह ताला से दुआ गूँ क्या ऐसे कोई वाक़ात पेश ना आए। मैं ये ज़रूरी बताना चाहूँगा, आज से कुछ दिन पहले यहाँ मेरे पड़ोसी गांव नौगाम का एक ऐसा ही हादसा पेश आया। छोटे छोटे दो बच्चे उस लड़के के, वो भी यतीम हो गए, बूढ़े बाप, वो परेशान। ऐसे वाक़ात आए ना हो, ये मेरी अल्लाह ताला से दुआ है। आए दिन अटैक्स होते हैं, जब से हुकूमत बनी है आए दिन अटैक। ये हुकूमत बनने की वजह से ऐसे हुए ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये हम 90 से ये मुसीबत झेल रहे हैं। कभी ये ठंड पड़ता है, कभी तो उछलता है।